जो हुनर मंदी दिखाने चलती है। शेर व शायरी हो तो कायदे कानून से पढ़ी जाए और क्या अच्छा लगेगा। अभी आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। प्यास सागर की बुझाने चल दिए, कुछ हुनरबंदी दिखाने चल दिए, आ गए कुछ जुगनू इतने जोश में कि हाथ सूरज से मिलाने चल दिए। एक तरजाई थी कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से, और जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। भगवान गणेश जी महाराज के पास में माता तुलसी पहुंच गई, कहले बड़े पेट वाले मुझसे शादी कर लो। बगल में बड़ा पेट वाला था। महात्मा इस कटपीस को सुनना, कह दिया मुझसे शादी कर लो। गणेश जी ने कहा अरे हटो, हमको तुमसे शादी नहीं करनी। माता तुलसी ने श्राप दे दिया गणेश जी को, जाओ आज एक का तिरस्कार कर रहे हो और तुम्हारे दो दो पत्नियां होंगी, एक के साथ एक फ्री। कहा तुम्हारे दो दो पत्नियां होंगी। अब गणेश जी महाराज की शादी हुई तो दो नारियां इनको मिल गईं, दो नारियां मिल गईं और दोनों नारियों से दो पुत्र मिल गए। अब साफ सुनिएगा, तुलसी जी महारानी और हर मानव के जीवन से जो ग्वारा के प्रांगण में मैं कह रहा हूं क्यों, हर मानव के जीवन से जो और करती दूर विपत्ति है, रोगों का निदान करती तुलसी की पत्ती पत्ती है। पांच बूंद पी लो सवेरे खाली पे फ्री और क्या। लेकिन ना इतने से काम लालमन का नहीं चलेगा, लालमन को और आगे जाना पड़ेगा। सुनील भैया, हर मानव के जीवन से जो और करती दूर विपत्ति है और रोगों का निदान करती तुलसी की पत्ती पत्ती है, और त्याग और तप के द्वारा ही, अरे त्याग और तप के द्वारा ही अरे तुलसी की उत्पत्ति है। एक पत्ती की तुलना में कम, अरे एक पत्ती की तुलना में कम जग की हर संपत्ति है। तो
हर पति से श्रेष्ठ जगत में, अरे हर पति से श्रेष्ठ जगत में ये एक तुलसी की पत्ती है। पत्ती लाते हैं लोग, फूल ले आते हैं, कहीं केतकी को चढ़ा दिया, कहीं रोक दिया, पत्ते ले आते हैं लोग। लेकिन इसका विशेष कारण है कि औषधि भी है, माँ भी है और श्राप भी दे रहे। और हर पति से श्रेष्ठ जगत में ये एक तुलसी की पत्ती है, लेकिन तुलसी की पत्ती से गणपति को आपत्ति है। क्या बात है। और हर पति से श्रेष्ठ जगत में, और हर पति से श्रेष्ठ जगत में ये एक तुलसी की पत्ती है, लेकिन तुलसी की पत्ती से गणपति को आपत्ति है। चलो सच्चे दरबार की जय, भागवत महापुराण की जय। हेलो, कहा गया है कि कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है, एक अधर का क्या नाता है। अरे जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। जोरदार तालियां बड़े भैया शंभू हलचल जी के लिए बजा दीजिए। बड़ा अच्छा आपने समा बांध दिया, बड़ा अच्छा लगा। कहना चाहता हूँ कि कोई भी संकट आए तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी को दुख का हमेशा मीत होना चाहिए, आदमी को दुख का हमेशा मीत होना चाहिए, दुख से नहीं हरगिज भयभीत होना चाहिए। अरे धारा की दिशा में तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदगी को कम से कम मौत के विपरीत होना चाहिए। जोरदार तालियां आप लोग बजाइएगा। आदर और सम्मान के साथ बहन नीलम विश्वकर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। चंद पंक्तियां हास्य की पढ़ रहा हूं। कहा गया है कि अपराधी और पुलिस एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो नहीं समझते वही मूरख होते हैं। जब इनके मध्य कोई करार हो जाता है तो अपराधी थाना पुलिस कचहरी कहीं से भी फरार हो जाता है। आइएगा सम्मानिया बहन नीलम विश्वकर्मा जी, आप अपना चक्र लेकर के अपने सभी सक्षम साथियों के साथ आए। और जियो बटे सबास आराम से। पूरा लॉकडाउन निकल गया। हेलो हेलो हेलो, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम सुना है बड़े भैया शंभू भैया से। रहा
और उससे भी बढ़िया हमारे सम्मानीय दादा चंचल जी ने सुंदर गीत और खंड गीत दिया है। संतोष तुमको नहीं संतोष, एक सुझाव भी दिया है, इस वंदना को मत गाना, ये राग तोड़ी में ही। बड़े भैया धना साई पूरी, आपने जो कहा है, लेकिन मैं आपने कहा है कि मैं ये सलाह है, सलाह सिरोधार है, लेकिन मैं पहले ये वंदना गाती हूँ कि माता मैं हूँ नादान, मुझे रागों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने जो सलाह दी है वो सिरोधार है। आपने कहा कि राग तोड़ी में है, लेकिन बड़े भैया आप भी सही जानकारी करिए, वो राग तोड़ी में नहीं है। और क्या, अब राग तोड़ी में नहीं है तो नहीं है। और क्या, यहाँ घर का चार बैठे हैं एक लोग। रागों में PhD करके आए हैं। खंड गीत आया है, गणपति को तुलसी से आपत्ति है। तो कहना है क्या हो बाला पह बेटे, और ये बहुमूल्य इसने हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री शंभू हलचल जी के द्वारा भेंट है। आजीवन इस स्नेह की कामना करूंगी, 101 पद्म मुद्राएं आपके कर कमलों से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। शंभू भैया सुनिएगा, हेलो हेलो, और हमारे धनंजय भाई थोड़ा समय और चाहूंगी, सुनिएगा। कि चंद्र कलिया के कि चंद्र कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे हैं कई पुराने से, कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे हैं कई पुराने से। तो दो कदम मैं तो चल सकती नहीं, तू ही आ जा किसी वहां सुनेगा। बहुत अच्छा टुकड़ा आया है, ढोला की चाटी बढ़ाओ, भाई वॉल्यूम कम हो गया। हेलो हेलो, बढ़िया साउंड सिस्टम है आपका, देख लें। बहुत बढ़िया, थोड़ा ढोला की चाटी देख लें। और बढ़ाओ इसका वॉल्यूम। तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने क्या, कि क्या मिली है ऐसे लोगों से, ¡Gracias!
जगत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। हमारे शमाने बड़े भैया भैया श्री पदम जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया गीत है, आइए सुने। टुकड़ा आया है, हर पत्ती से श्रेष्ठ जगत में तुलसी की ये पत्ती है, और लेकिन तुलसी की पत्ती से गणपति को आपत्ति है। टुकड़ा सुनेगा बड़े भैया, सुने। अगर जवाब आ जाए और जवाब आपके हृदय को छू जाए तो आप सभी का स्नेह है आशीर्वाद चाहूंगी, सुनेगा। सुने। भगवान कन्हैया का जन्म हो गया, अतिके वो बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, आपने कहा है तुलसी की पत्ती। बड़े भैया आपने एक बात और कही है कि बिटिया एक कुछ कहो हमसे, या तो दादा कहो या बड़े भैया कहो। समाने बड़े भैया लालमन भैया जी, हमारे यहाँ बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है, और बड़े भाई को तो बड़े भाई कहते ही हैं, और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, और का बेटे इसलिए आइए सुनिए। एक नाते कक्का भी कह सकती हो बेटे। और मैंने आपको जब से जाना है बड़े भाई ही कहा है, और आप बड़े भाई हैं, और हमारे क्षेत्र में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। सुनिएगा, आपने कहा पत्ती, तो एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत कही जाती है कि आप पात पात यानी पत्ती पत्ती तो हम डाली डाली, क्योंकि बहन तो आपके ही है। और का बेटे आइए सुनिए। कृष्ण नाम का जाप है करती हो, हृदय को छुएगा। मेरा मानना है बहुत अच्छा आपका कटपीस है, लेकिन प्रयास सुनेगा मेरा भी। कृष्ण नाम के जाप है करती कौन, कृष्ण नाम का जाप है करती कदम की डाली डाली है। भगवान कन्हैया ने जो बाल क्रीड़ा की है, कृष्ण नाम का जाप है करती कदम की डाली डाली है, तो कृष्ण कन्हैया झूला झूले धन्य हुई वो डाली है। और क्योंकि भगवान कन्हैया ने झूला भी झूला है तो वो कदम की डाली पर, तो कहना उस कदम की डाली की क्या किस्मत लिख डाली है, तो उस कदम की डाली की क्या किस्मत को लिख डाली है, और कदम पड़े जिस कदम डाल पर, पढ़ो ये पंक्ति को समझना भगवान कन्हैया के, कदम पड़े जिस कदम डाल पर उसका ही वो डाली है। आप अपनी लाइनों को मिलाना बड़े भैया, आपने कहा हर पत्ती है श्रेष्ठ जगत में,
तो हर डाली है श्रेष्ठ जगत में मिली कदम की डाली है और जहां भी भगवान के पद चिन्ह होते हैं वो मंदिर बन जाता है। लेकिन आज होता क्या है? हर डाली से श्रेष्ठ जगत में कदम की मिली कदम की डाली है उसी कदम की डाली की क्या दुर्गति कर डाली है। आज उस कदम का कोई महत्व नहीं है। कदम की छांव में लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं। हर डाली से श्रेष्ठ जगत में मिली कदम की डाली है उसी कदम की डाली की क्या दुर्गति कर धन्यवाद है आप लोगों के यहाँ।